झारखंड में कल से अनलॉक, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा काम। एम्स में 18 जून से फेज वाइज शुरू होगी ओपीडी। दिल्ली में कोरोना से राहत, एम्स में 18 जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी सेवाएं। भारत में वैक्सीन की वजह से पहली मौत की पुष्टि। भारत में वैक्सीन की वजह से 68 साल के बुजुर्ग की गई जान, केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में खुलासा। एलजेपी के बागियों पर चिराग पासवान का एक्शन, चिराग पासवान ने की एलजेपी कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग। यूपी में 21 जून से नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक यूपी में नाइट कर्फ्यू में मिली 2 घंटे की छूट। नमस्कार, मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। राजधानी के अनलॉक होते ही लूट की वारदातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन खुलते ही बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कोहे फिजा में बाइक सवार बदमाशों ने आधे घंटे में 2 चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले एक बुजुर्ग महिला और उसके बाद में युवती को निशाना बनाया। वारदात के बाद में दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस मामले में भोपाल डीआईजी ने आरोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तलाश जारी है। आज सुबह गुफा मंदिर रोड पर जो हॉस्पिटल है उसके सामने एक बुजुर्ग महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई है। उसके पश्चात फिर लाल घाटी एयरपोर्ट रोड पर एक इंद्र विहार कॉलोनी है, वहां पर भी एक लड़की के साथ में चैन स्नैचिंग की घटना हुई है। उसके समस्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, कुछ फुटेज भी मिले हुए हैं और संदिग्धों के कुछ फोटोज भी मिले हुए हैं जिनकी पतारसी के लिए टीमें बना दी गई है। निकट वही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि ये वही राहुल हैं जिनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। मैं कमलनाथ को बहस के लिए चुनौती देता हूं। मैं चुनौती देता हूं कि वो आए और मुझसे राम के विषय में बहस करें। इसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जितनी भी आस्था के केंद्र हैं, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये वही दिग्विजय हैं जिन्होंने 3 दिन पहले कश्मीर की धारा 370 पर सवाल उठाए थे। और क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, आप भी सुनिए। राम सत्य है, ये सत्य है, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था जिनकी सरकार ने, कि राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को, आओ मेरे साथ बहस करो, मैं आपको बताऊंगा कि राम क्या थे, क्या हैं, क्या रहे, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और निवेदन करूंगा कमलनाथ जी को कि अगर ये बहस कभी हो तो आप भी आना। देखो, दिग्विजय सिंह जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, हमारे जितने आस्था के केंद्र हैं, हिंदुओं की जितनी आस्था के केंद्र हैं, वो सबको विवाद के अंदर रखना चाहते हैं। आप जिन दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, उन्हीं दिग्विजय सिंह ने तारीख पर भी सवाल उठाए थे। आपको ध्यान होगा कि ये तारीख नहीं है और ये मुहूर्त नहीं है। हर विषय को विवादास्पद बना के हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आज उन्हें राम मंदिर पर कह रहे हो आप, और परसों उन्होंने कश्मीर पर उठाया ही था, कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर उठाया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ वही। सिंगरौली में आबकारी सहायक उप निरीक्षक और आबकारी पुलिस आरक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि वो 3,000 की रिश्वत लेने के बाद देसी शराब बनाने को छूट देने की बात कह रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद में आबकारी विभाग में हड़कंप मचा है, जिसके बाद में जिला कलेक्टर राजीव रंजन ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है, जबकि महिला आबकारी सब इंस्पेक्टर को ऑफिस में अटैच किया गया है। इस मामले की जाँच के लिए अनुविभागीय स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। जो आप लोगों के द्वारा मेरे को प्राप्त हुआ है एक वीडियो, तो देखा प्रथम दृष्टया तो लगता है कि सर्दियों का है, मतलब 4-5 महीने 5-6 महीने पुराना होना चाहिए। और प्रारंभिक जांच में यहाँ कि सराई तरफ का कोई गांव है, वहाँ का ये घटना है। उसी समय संदर्भ में मेरी
उपायुक्त आबकारी राघवेंद्र उपाध्याय साहब से भी बात हुई रीवा से, कलेक्टर साहब से भी हमने उसको संज्ञान में ला के कलेक्टर साहब से भी हमने बात करी, और उसमें जो वीडियो में कुछ लेन देन करते जो आरक्षक दिख रहा है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करके कार्यालय अटैच कर दिया है। और जो उस वीडियो में वही रतलाम में एक बार फिर से विवादित तस्वीर सामने आई है, विवाद की तस्वीर सामने आई है। मामला रतलाम के शिवगढ़ का है, जहां पर दो पक्षों में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कि तीन लोग घायल हो गए। काफी देर तक चले इस विवाद का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। घायल ने बताया है कि कुछ लोग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसी को लेकर 15 से 20 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें से पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की है। इंदौर में राजस्थान पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। दरअसल राजस्थान एसओपी ने गौतमपुरा पुलिस के साथ में मिलकर एक घर में दबिश दी और अनाज की कोठी में छुपा कर रखे गए हथियार बरामद किए। साथ ही मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये हथियार 3 दिन पहले ही लाए गए थे। पुलिस ने ये अंदाजा लगा रही है कि ये तस्कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इस तरह की कार्रवाई के साथ साथ उस कड़ी में अभी हाल के दिनों में एक राजस्थान पुलिस से एक सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि वहाँ पूछताछ में यहाँ के एक अपराधी को कुछ हथियार देना पाया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारियाँ जुटाई और निर्धारित जो जगह थी, जो सूचना थी, उसके आधार पर कार्रवाई की। पुलिस को इस संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली, साथ ही साथ इसमें अपराधियों को पकड़ा गया, उसकी निशानदेही पर फिर दूसरे अपराधी को पकड़ा गया और साथ ही साथ उनके पास से लगभग 2 9mm पिस्टल और एक रिवॉल्वर पाई गई है। साथ ही साथ 300 के आसपास राउंड मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस गंभीरता से तस्दीक कर रही है, जांच कर रही है, क्योंकि इस हथियार का कहां इस्तेमाल होता, कहां। इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने की चाह में नगर निगम अधिकारी ये भूल गए कि देवी देवताओं को कहां स्थान देना चाहिए और कहां पर नहीं, और नाले के किनारे वाल्मीकि समाज की आस्था के स्तंभ श्री गोगा देव महाराज की तस्वीर बना डाली, जिसको देखकर अखिल भारतीय वाल्मीकि सनातन धर्म सभा के महासचिव ने नगर निगम आयुक्त को आवेदन दिया और चित्रों को हटाने की मांग की है। महासचिव मुकेश मेहना का कहना है कि इंदौर को नंबर 1 बनाने में वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इंदौर नगर निगम को वाल्मीकि समाज से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही जो भी अधिकारी इस चित्रकारी को करने में दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जो हमारे देवी देवता हैं वो सभी जगहों में लगे हैं। आज जब उनको बहुत सारे लोग पूजन कर रहे हैं उनका, तो गोगा जी महाराज को जब नगर निगम नहीं मान रही है तो इनको ये भी देखना चाहिए कि गोगा नवमी क्यों मनाते हैं। जब पूरे शहर में गोगा नवमी मनती है तब नगर निगम को ये मालूम नहीं कि किसका अपन फोटो छाप रहे हैं, तो नगर निगम का समझ में अभी नहीं आ रही है। तो फिर नगर निगम को ये समाज समझा भी देगी, जिस प्रकार नगर निगम सोच रही ना कि हमारा 1 नंबर और 2 नंबर और 5 नंबरों की बात कर रही है, तो ये 0 पे लाना भी जानती है। ये वो समाज है। ये गतिविधियाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के सानिध्य में, उनके जानकारी में भी गई है और बता दी गई है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि सनातन धर्म सभा का महासचिव होने के नाते, इंदौर गोगादेव मंदिर समिति अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये बात शासन द्वारा नहीं हटाई गई और नगर निगम पे थोड़ा सा वो नहीं किया गया, प्रेशर नहीं डाला गया, तो नगर निगम के पे तो कार्रवाई होगी, लेकिन ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी बात जाएगी और देश की जो वाल्मीकि समाज है वो जहाँ ये समाज सुन रही है तो हम लोगों से पूछ रही है, तो ये देश में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इसमें इंदौर ही नहीं, माता अहिल्या की नगरी इंदौर जो है उसका नाम बदनाम कर। इंदौर में एक युवक से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल मामला सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र से रानीपुरा का है। गांव के रहने वाले एक शख्स से 2 भाइयों ने कारोबार के नाम पर दोस्ती की और 40 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। भागने के लिए आरोपियों ने देर रात एक कार भी चोरी की। इस दौरान दोनों आरोपी कार चुराते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है।
आरोपी का नाम है कुतुबुद्दीन पंडाना वाला और उसका भाई है हुसैन पंडाना वाला। ये दोनों हमारे वहाँ पे आते जाते रहते थे, हमारे वहाँ पर आए, हमसे सामान खरीदा 40 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट चेक दे गए और रातों रात घर में ताला लगा के रात में 1:30 बजे कार द्वारा भाग गए। अब हम उनके घर पे गए तो हमें जानकारी लगी, जब हमने चेक बाउंस होकर हमारे पास वापस आया तो हमने इनसे कांटेक्ट करना चाहा तो मोबाइल बंद आए। इनके घर पे गए तो आस पड़ोस से ये जानकारी लगी, ये 25 से 30 लोगों के पैसे लेके भाग गए। तो सब वहीं पे खड़े थे जिन जिन के पैसे लेके भागे, तो कोई कहता मेरे 20 लाख, कोई कहता 25 लाख। रतलाम मंडी में पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये पूरी घटना मंडी परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ से गाड़ी आ रही थी, दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल आ रही थी और किस तरह से टक्कर हुई है, पर खच्चे तक उड़ गए हैं गाड़ी के और ऐसे में ये घटना हुई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रीवा में जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों ने 2 घंटे के लिए काम बंद करके गांधी स्मृति अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा चुकी हैं, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके बाद अब नर्सों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के सामने हमारी पहली मांग यह है कि अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश की समस्त नर्सों को सेकंड ग्रेड का दर्जा दें। दूसरी मांग यह है कि जो 2005 में सरकार ने पेंशन योजना पुरानी समाप्त कर दी थी, उसे पुनः लागू किया जाए। तीसरी मांग है कि 2018 में आदर्श भर्ती नियम बनाया गया है, जिसमें भर्ती होने वाली नर्सेस भाई बहनों को सालाना क्रमशः 70%, 80% और 90% का ही वेतन दिया जा रहा है। तो मेरी मांग ये है कि जब नर्सें हमारी पूरा कार्य कर रही हैं तो आप पूरा वेतन शुरू से क्यों नहीं दे रहे, इसलिए आदर्श भर्ती नियम को सिरे से खारिज करके नए ढंग से भर्ती नियम बनाया जाए। भर्ती प्रक्रिया में मेल नर्सों को समांतर बराबर का मौका दिया जाए, स्थानांतरण ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चालू की जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं, वो नहीं जा पाते हैं, इसलिए उनको ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में शामिल करके सबको अपने अपने जगह ट्रांसफ़र का अनुमति मिले। इसके अलावा जो हमारी नर्सेस हैं कोरोना वॉरियर्स थी, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि 10,000 रुपये महीने उन्हें दिए जाएंगे, किंतु आज तक 1 रुपये नहीं मिले और पिछले 2 साल से हम लोगों को इंक्रीमेंट भी बंद है। तो हमारी मांग है कि तत्काल जितनी भी घोषणाएं हैं उसे पूरा करें और हमारे मध्य प्रदेश की समस्त। सिंगरौली में जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर करथुआ रेंज में जंगल माफियाओं ने लाखों के पेड़ काट डाले हैं। इस बार फिर से जंगल माफियाओं ने सागौन के पेड़ काटकर वन विभाग को खुला चैलेंज दिया है। पेड़ कटाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद में वन विभाग में हड़कंप है, जिसके बाद में DFO ने जांच के आदेश दिए हैं। एक तरफ जहां पर्यावरण बचाने के लिए 5 जून को जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिले के प्रभारी मंत्री ने भी पेड़ लगाकर लोगों को जागरूक किया, इसके बाद भी रेंजर आवास के पास में पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। रीवा के कृषि विज्ञान केंद्र में पहला ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। इस स्टेशन के जरिए गर्मी, सर्दी और बरसात के बारे में जानकारी मिलेगी। बता दें कि ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन से अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अलावा वायुमंडलीय दबाव की जानकारी भी मिल सकेगी। सोलर ऊष्मा, मिट्टी में नमी, वाष्पोत्सर्जन के अलावा हवा की गति और दिशा के साथ में बारिश की जानकारी भी मिलेगी। इस ऑटोमेशन स्टेशन से के लिए आंकड़ों के जरिए फसल का प्रबंधन मौसम के वास्तविक आंकड़े के आधार पर किया जा सकेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कार्य करने वाला कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS यानी कि स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना हो चुकी है। इससे न केवल किसानों को अभी तक जैसे चक्रवात, लू, पाला, बाढ़, सूखा जैसी आज समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इससे कि किसान भाइयों को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे किसान भाइयों को जुताई से लेके और कटाई मड़ाई तक की सारी कृषि के
कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमे हुए अभी थोड़ा ही समय गुजरा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद अभी से लोगों में दिल से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आ रही हैं। कई मरीजों में दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में संक्रमण देखा गया है और हृदय रोग विशेषज्ञ ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओपीडी में होने वाले जो मरीज हैं, आने वाले मरीजों में दिल के धड़कन की गति बढ़ना, सीने में दर्द के साथ सूजन की शिकायत हो रही है। कुछ मरीजों की हिस्ट्री से पता चलता है कि वह कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उसके बाद उनमें ये समस्याएं आ रही हैं जो कि कमजोरी के साथ में सांसों में दिक्कत बनी हुई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ओपीडी में पहुँच रहे हृदय रोगियों को डॉक्टरों का सुझाव दिया गया है कि जो लोग कोविड 19 से उबर चुके हैं उनको चाहिए कि वो अधिक से अधिक पानी पिएं, कोई भी तकलीफ ना हो। क्या रहता है कि पोस्ट कोविड के अंदर हाइपर कोगुलेबल स्टेज जिसको बनते हैं कि ब्लड गाढ़ा होता है काफ़ी, तो उसके कारण से क्या होता है कि धमकियों में, दिल की नाड़ियों में या दिमाग की नाड़ियों में या पैर की नाड़ियों में कहीं पे भी थक्के बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में क्या करना है, पोस्ट कोविड के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको कोशिश ये करनी है कि पानी अधिक से अधिक रखें और पानी की मात्रा अपन को ज़्यादा रखनी है। और पोस्ट कोविड के अंदर अगर डी डाइमर एक जाँच होती है, अगर डी डाइमर बढ़ा रहता है तो थोड़े समय के लिए खून पतले की दवाई चालू रखनी चाहिए जिससे कि आगे का बचाव कर सकें, थक्के नहीं जमें किसी भी नाड़ियों में, चाहे दिमाग की हो, चाहे दिल की हो, चाहे पैर की हो, चाहे हाथ की नाड़ियों, कहीं पे भी थक्के बनने की प्रवृत्ति देखी गई है। ऐसे बहुत से मरीज आए हैं जिनके पोस्ट कोविड में एक महीने बाद हाथ के नाड़ी में थक्का जम गया है, किसी के पैर के नाड़ी में थक्का जम गया है, किसी कोई। वहीं इंदौर में रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक खबर सामने आई है जहां पर कलियुगी बेटे ने अपने ही पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है जहां पर दो दिन पहले ही जहां पर शराबी पिता का बेटे से विवाद हुआ था, बेटे ने पिता की जमकर पिटाई की जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे को हिरासत में लिया गया है, आगे की पूछताछ जारी है। तो शराबी पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, कलियुगी बेटे ने ये हत्या की है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेटे को फिलहाल पकड़ लिया गया है और इतनी पिटाई की गई बेटे की तरफ से पिता की कि इलाज के दौरान उनकी मौत पर शंका है। और परसों जो है बेटे सचिन का उनसे विवाद हुआ था, तो इसका जो है पीएम वगैरह कराया जाए तो उसी आधार पर मर कायम करके और मृतक का जो है जिला अस्पताल में अभी पीएम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टि यह देखा गया है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं और ऐसा लग रहा है कि उसके बेटे सचिन ने उसके साथ मारपीट की है। अभी प्रकरण की जांच चल रही है और ये पता चला है कि ये शराब पीने के आदि थे जो भूरा लाला लावा है। इसी बात वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाथ बच्चों के लिए एक और महत्वपूर्ण संवेदनशील निर्णय लिया है जिसके तहत कोविड के अलावा जो भी अनाथ बच्चे हैं उन्हें सरकार समाज के साथ में मिलकर ऐसे बच्चों की शिक्षा, आश्रय और आहार की व्यवस्था करेगी और जीवन व्यापन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी, जिसके साथ ही बहुत जल्द एक योजना तैयार हो रही है। सीएम ने बताया है कि सरकार उस पूरी व्यवस्था को निश्चित तौर पर लागू करेगी। वहीं गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की है और बताया है कि लगातार कोरोना के क्षेत्र में अच्छी खबरें मिल रही हैं। 242 केस नए प्रदेश में आए हैं और अब रिकवरी रेट जो है 98% हो गया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा कि अकेले दिग्विजय सिंह की सोच नहीं, पूरे कांग्रेस की सोच वैक्सीन के प्रति भ्रामक है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस कुल 3,941 ही बचे हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारी अब 1% नहीं रही, माइनस में चली गई है, 0.34 रह गई है। अगर हम इसको रिकवरी रेट की ओर देखेंगे तो रिकवरी रेट हमारी 98.41% हो गई, लेकिन कोई ढील नहीं और सावधानी में कोई कमी नहीं, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का सोच है कि कोरोना के प्रति लापरवाही नहीं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमने कल भी 69,202 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए हैं। 18 जिले ऐसे हैं, कल यहां एक भी प्रकरण नहीं आया कोरोना का, जिसमें दतिया भी शामिल है।
वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के दौरे पर रहे, जहां वे ग्रेसेस रिसॉर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान कामकाज बंद हो गया था, अब वापस पर पटरी पर आ रहा है। तीसरी लहर का रोडमैप समेत शिक्षा राजस्व बढ़ाने पर भी मंथन है, साथ ही उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है आप भी सुनिए। पिछले ढाई महीने में कोरोना के कारण वो काम रुक सा गया था, अब फिर से उसको गति देने पर विचार करेंगे। कोरोना के संकट के कारण हमारा रेवेन्यू घटा है, राजस्व नहीं आया दो ढाई महीने, इसलिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए, अतिरिक्त स्रोत क्या हो सकते हैं ताकि विकास के काम प्रभावित ना हो और जन कल्याण की योजनाएं चलती रहे और बनती रहे, इस पर भी हम विचार करेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषकर शिक्षा की भी व्यवस्था, बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेज बंद है, क्या और कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तरीके हो सकते हैं जिससे शिक्षण का काम जारी रह सके। बरसात के शुरू होते ही बस्तियों और निचले इलाकों में जलभराव के साथ में ही पुराने मकानों के लिए भी मुसीबत सबब बन रही है। यहीं पर बारिश पुलिस लाइन में रह रहे पुलिस कर्मियों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। पुलिस लाइन में बने मकान जर्जर हालत में हैं, ऐसे में उसमें रह रहे पुलिसकर्मियों के लिए बरसात के मौसम में मकान से पानी गिरने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में जब इंदौर आईजी हरिनारायण मिश्र से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर पुलिस लाइन में मकान जर्जर हालत में है, जिन्हें तोड़कर नए मकान बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही एक 15 मंजिला बिल्डिंग में भी पुलिसकर्मियों को आवास आवंटित किए गए हैं। पुलिस लाइन में जो मकान जर्जर हो चुके हैं, हमने तोड़कर नया मकान बनाया जा रहा है। अभी जो 15 मंजिला जो 15th फ्लोर की जो बिल्डिंग बनी है, उसमें पुलिस कर्मियों के लिए आवास आवंटित हो रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ जो कुछ राजपत्रित अधिकारी हैं, उनके लिए PTC में कुछ मकान है, जिसकी प्रक्रिया है, जो अगले एक सप्ताह में सबको आवंटित कर दिया जाएगा। तो पुलिस कर्मियों के लिए इस तरह के लगातार प्रावधान, प्रस्ताव और प्रयास जारी हैं, और आने वाले दिनों में उनके स्वास्थ्य, उनकी जो आवास संबंधी समस्या है, उसके उस पर भी काफी। रतलाम में मित्र निवास कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक एरोज टावर बिल्डिंग के सामने कपड़े से ढकी हुई लाश को लोगों ने देखा। बिल्डिंग के रहवासी जो थे, उन्होंने लाश होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश की शिनाख्त की गई। पुलिस की जानकारी मिली कि लाश इसी एरोज टावर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 103 में रहने वाली का है, और पुलिस ने मृतक के परिजनों की जानकारी ली तो पाया कि मृतक फ्लैट में अकेला रहता था और वह बीमार भी था। उसके परिजन चेन्नई में रहते हैं। उसे इलाज के लिए कल परिजनों ने एम्बुलेंस से इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल भेजा, लेकिन उनकी रास्ते में ही मौत हो गई, जिस पर एम्बुलेंस चालक वापस रतलाम लेकर आया और शव को फ्लैट में रखने की बजाय बिल्डिंग के गेट पर ही छोड़कर चला गया। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।